नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के बाद जो 250 रुपए का पेमेंट है वो कैसे करना है, पेमेंट होने के बाद आप पेमेंट की रसीद कैसे निकाल सकते हैं ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, कैसे आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डालना है, देख सकते हैं हमने सारी चीजें डाल दी है। डालने वाले जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। साथ ही साथ आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाकी की चार चीजें अभी इनकम्प्लीट है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पूछा आपका फ्रीडम फाइटर वगैरह तो नहीं है, तो नहीं हम नो कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ चाहिए। तो बहुत ढेर सारे ऑप्शन है, जो भी आपका नियरेस्ट ऑप्शन हो जहाँ पे आप रहते हो उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं देख सकते हैं यहाँ जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक है, तो मैंने यहाँ पे प्रयागराज में ले लिया। इसको यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल डालना है, ताकि अगर आपका पेमेंट रिफंड आए तो उसमें जो है आ सके। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स पूरा अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको डाल देना है। एड्रेस आपके फॉर्म से ही आ जाएगा, अगर आप कुछ बदलाव करना तो कीजिए, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। जैसे आप आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं प्रीव्यू खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। आपको अच्छी तरीके से चेक करना है, चेक करते समय आपका रैंक वगैरह भी शो करेगा, आपकी कैटेगरी शो करेगी, सब कुछ चेक करने में आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे देख सकते हैं सबमिट का बटन विजिबल हो जाएगा। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई गलती है तो प्रीवियस में जाके आप उसको सुधार सकते हैं। हमने जैसे सेव किया देख सकते हैं हमारे चारों स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बचा है फिर सिर्फ फीस पेमेंट, तो हम इसका फीस पेमेंट करते हैं। इसका पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे पेमेंट डन होगा देख सकते हैं सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसका दोस्तों आपको चॉइस फिलिंग करनी है। देख सकते हैं जितनी चॉइस अवेलेबल है वो दिखेगा, आपकी फिल्ड चॉइस दिखेगा, अनफिल्ड चॉइस दिखेगा, स्टेटस आपका लॉक है कि नहीं वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं चॉइस फिलिंग पे। जैसे आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे और साथ ही साथ अगर आपको अपनी रसीद चाहिए जो आपने पेमेंट किया वो आप फिर पेमेंट डिटेल्स पे जाके ले सकते हैं। हम जैसे चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं सारे कॉलेज आ जाएंगे। आपको जो भी क्लिक करना है, कॉलेज को ऐड करना है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं आपको दिखाने के लिए कुछ कॉलेज जो ऐड कर रहा हूँ। आप जो है इंस्टीट्यूट वाइज भी कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, अलग अलग भी आप जो है क्राइटेरिया को हिसाब से जो अपने कॉलेज को कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज हटाना है तो रिमूव का ऑप्शन है, आप हटा भी सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, बीच बीच में सेव जरूर करते चलिएगा ताकि ये उड़े ना। बाकी ऊपर अगर आप देखेंगे तो टाइम जो आ रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए रूम में भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी को ऊपर या नीचे करना है, यानी कि स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है, तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं सारी चॉइसेस यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम वाइज भी आप जो है इसमें कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम वाइज एग्जाम्पल, मुझे सिविल जो है लेना है, केवल सिविल इंजीनियरिंग के कॉलेज चाहिए और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या एडेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कर लूंगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आ जाएंगे। अगर आपको इसी तरह किसी और ट्रेड में करना है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको पूरी जानकारी यहाँ दिखती जाएगी, उस कॉलेज को ऐड करते जाइए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऐड करने के बाद आपको उसको लॉक करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा तो फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।